हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन पुलवी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34, जो कि क्लास सेवन के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट इज की 22 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास से जगह लिखेंगे। आज हम WH फैमिली वर्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले कंजर्वेशन नीरू और पूजा के बीच में, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ पूजा, यानी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। Why आर यू स्टैंडिंग हर? तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, यानी मैं अपनी मदर का वेट कर रही हूँ। वो इज़ योर मदर, तुम्हारी मदर कौन है? तो मिस्टर सॉरी मिसेस रेखा इज़ माई मदर, जो मिसेस रेखा है वो मेरी मदर है। वैन विल शी कम, वो कब आएंगी? शी इज़ इन शॉप, वो एक शॉप पे है नियर बाय, वो 10 मिनट्स में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपने ऊपर कंजर्वेशन देखी, जिसमें वर्ड वाई वो वैन ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वूज आंसर रिक्वायर्ड सम इंफॉर्मेशन बिगविन विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। अब ऐसे क्वेश्चन जिनमें ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं, उन्हें एक आंसर चाहिए होता है। सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स फॉर कैटेगरी, कुछ अदर क्वेश्चन वर्ड्स जैसे वैन, वेयर, विच, वूज, हाउ, और ये बाकी वर्ड वाई वो वैन, ये सारे हैं। इन्हें हम WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। अब वर्ड किसके लिए होता है? वर्ड होता है आस्क अबाउट एक्शन, किसी एक्शन और थिंग के लिए। वो होता है पीपल का, अगर हम किसी लोग के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन है, तो हम वो का यूज़ करते हैं। विच किसी पीपल या थिंग के बारे में, वेयर यानी किसी प्लेस के बारे में, वैन यानी टाइम के बारे में, वाई यानी कोई रीज़न या पर्पस के बारे में, हाउ यानी इसका मतलब या मैनर या डिग्री, वूज मतलब कोई पोजेशन। अब इसी से रिलेटेड आपको एक टास्क दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोशिएट WH फैमिली वर्ड्स टू कम्प्लीट द क्वेश्चन वूज आंसर्स आर गिवन। तो आपको क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है WH फैमिली को फिल करके। तो फर्स्ट है डैश आर यू डूइंग, तो वट आर यू डूइंग, तो इसमें आपका वट आएगा, वट आर यू डूइंग, तो आई एम रीडिंग अ बुक, यानी मैं बुक पढ़ रहा हूँ। फिर है सेकेंड डैश बैग इज दिस, यानी वूज बैग इज दिस, WHOSE वूज बैग, वूज बैग इज दिस, यानी दिस इज़ माई फ्रेंड्स बैग, यानी मेरे फ्रेंड का बैग है। थर्ड है वैन डैश विल शी कम टू दिल्ली, यानी यहाँ पे पूछा गया कब आएगी, तो यहाँ पे टाइम पूछा गया, तो इसमें वैन आ जाएगा, तो इसमें वैन लिख दीजिए आप। फोर्थ है डैश आर यू वॉचिंग ऑन टी वी, तो इसमें पूछा जा रहा है तुम क्या देख रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, तो इसमें वट आ जाएगा, वट आर यू वॉचिंग ऑन टी वी। फिफ्थ है डैश वर यू एब्सेंट यस्टरडे, यहाँ पे एक रीज़न बताना है आपको, तो इसमें वाई आ जाएगा, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो आप लिखेंगे आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई हैड सम अर्जेंट वर्क, यानी मैं एब्सेंट इसलिए था क्योंकि मुझे एक अर्जेंट वर्क था। तो ये आप इसे फिल कर लेंगे, फर्स्ट में वर्ड, सेकेंड में वूज, थर्ड में वैन, फोर्थ में वर्ड, फिफ्थ में वाई, आप इसे फिल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।